और जननायक जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह सोमवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। वो अपने साथियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ सोमवार को चंडीगढ़ रवाना होंगे और कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। कुछ दिन पहले निशान सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और बाद में उन्होंने कहा था कि वो किसी पार्टी में जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता तो अपनाएंगे। तो अब क्लियर हो चुका है, पहले से ही क्लियर हो गया था, लेकिन अब औपचारिक रूप से ये तारीख वगैरह सब सामने आ चुके हैं कि वो कब कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं। टोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस दौरान सरदार निशान सिंह ने कहा कि उन्होंने जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और अब वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं और कुछ ना कुछ रास्ता तो अपनाना होता है। व्यक्ति को नया काम करता है तो उसके लिए जनमत रेफरेंडम किसी ना किसी तरीके से करवाता है। तो हमने पार्टी छोड़ी तो हमें हजारों लोगों ने कहा कि पार्टी छोड़ दी, अब क्या कार्यक्रम है। तो हमने उनसे पूछा कि आप बताओ, राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीति करेगा, कौन सी पार्टी ठीक लगती है। तो हमें तो मेजॉरिटी लोगों ने यही कहा कि कांग्रेस को ज्वाइन करो। तो ये जो जनमत है, पब्लिक ओपिनियन जो है, उसका हमेशा आदर करना चाहिए। हमने उस पब्लिक ओपिनियन को ही चुना।